Assalamu alaikum. Very good morning, dear students. Today we will once again start the communication. First of all, you should do this, that you should understand the concept of communication. पहले आपको समझ में यह आना चाहिए कम्युनिकेशन क्या है. जब आपको यह समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन क्या है, तब आपके लिए इजी होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. पहले तो मतलब बार बार मैंने कहा है व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन आप किसे कहते हैं? इन शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, व्यूज, फीलिंग्स, इमोशन. इजंट इट? हाँ. तो आप थोड़ा ये दुख है, ये लास्ट ये आपकी यूनिवर्सिटी की है, मगर ये आपके सिलेबस में तो है ये, मगर अभी तो मतलब ये लास्ट इयर्स में थी, यानी कि उन्हें प्रेस्क्राइब की थी, तो आप मैंने उससे उठाया. जब तक आपकी बुक मार्केट में आई है तो उसमें ये जरूर होगा, यही होगा, क्योंकि ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की बुक है. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये कम्युनिकेशन कहां से आई है, इसका आर्जन देखिएगा, बैकग्राउंड कम्युनिकेशन. आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन कब से स्टार्ट हुई होगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कम्युनिकेशन व्हेन इट हैज बीन स्टार्टेड? क्या लगता है आपको? वेरी गुड. जब से इंसान वजूद में आया है, क्योंकि मैं सोशल एनिमल, इसको तो कुछ खाना था, कुछ कहना था मुझे, कुछ खिलाओ, उसको ट्रेन करना था, छोटे लेवल पर, बड़े पैमाने पर, समझ रहे हैं? हाँ, वही बस इजी. आप इसे क्या लिखा है? From the beginning of the human existence, जब से इंसान का वजूद इस दुनिया में आया था, हाँ, there has been communication. अब आपको देखो देखो कितना इजी होता है. आपको एक ही वर्ड याद करना है, बाकी आप खुद ही लिख सकेंगे. फिर कौन कैसे लिखेगा? दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन. आपको इतना ही याद रखना है, फ्रॉम द बिगिनिंग, इतना ही अगर याद रखेंगे सितार से. हाँ, कोई अब कोई नहीं लिखना द कम्युनिकेशन हैज कम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स. कोई कहेगा व्हेन द ह्यूमंस हैज कम अपॉन अर्थ, दे हैव स्टार्टेड कम्युनिकेशन. अब आपको इन शॉर्ट एक ही वर्ड रखना है यार, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. समझ आ रहा है? इसको अंडरलाइन करना है. हाँ, बिगिनिंग है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ देयर हैज बीन. समझ आ रहा है? एक पॉइंट क्या, कम्युनिकेशन हैज कम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, व्हेन द मैन हैज कम अपॉन दिस अर्थ, कम्युनिकेशन हैज बीन स्टार्टेड. इज इट इट? इज इट क्लियर? कम्युनिकेशन अब हम देखेंगे है क्या, व्हाट इज दिस कम्युनिकेशन. मैंने आपको पहले कहा था, आपको याद है, मैंने कहा एजुकेशन आप कैसे हासिल करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन कैसे. मैंने जेब में कुछ लाया है, ये यहां से पाउच है, यहां से फोन है, इसमें तो एजुकेशन नहीं है. शेयर द नॉलेज. मैंने आपको कहा कि कैसे शेयर होंगे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे व्हाई, व्हाट एंड हाउ. आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हेन इट हैज हैपेंड, हाउ दिस हैज हैपेंड, दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन यू विल पोज द क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिए, मेरे कहा मिसाल के घर में बच्चे होंगे, इनको कैसे हम इनको एजुकेशन देते हैं, कैसे हम इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो खुद ही क्वेश्चन करते हैं, है ना. वो कहते हैं ये क्या है, ये लाइट है, ये क्यों है, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, वो कहां से आती है ना. हम उनको कहते हैं, यानी कि इन द इन दिस वे यू हैव ऑल्सो टू सी द क्वेश्चन, व्हेन यू विल से द क्वेश्चन वी विल से द आंसर्स. इज इट हाँ, दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज सिस्टमेटिक है. क्या एक ये सिस्टमेटिक है, ये ऐसी हफजंडी नहीं है. आप पहले एक सेंटेंस कहेंगे, फिर दूसरा है, यहां से कोई बात, वहां से कोई बात, यहां से कोई बात, नहीं. ये क्या है? सिस्टमेटिक एक प्रॉपर अंदाज है इंसान के लिए. अगर आप मेरे बारे में करेंगे, पहले आप मेरे कैब के बारे में, इसके बाद मेरे फोन है, इसके बाद नोज, अगर आप ऐसे कहेंगे कैब के बारे में, इसके बाद फुट, इसके बाद नोज, इसके बाद लेग्स, तो उसको हम प्रॉपर सीक्वेंस नहीं कहेंगे. समझ रहा है? हाँ, और बोलो जरूर बोलो. हाँ, वही है. क्या है? कम्युनिकेशन इज सिस्टमेटिक.
सिस्टमेटिक की आप बुला रहे हैं, एक ही बोल फिर आप खुद ही लिखेंगे, कोई लिखेंगे दिस इज सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्सप्रेस, कोई लिखेंगे कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक वे, एक ही बोल जवाब देते समझाए, कोशिश करनी है खुद लिखने की, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। क्या सिस्टमेटिक वे में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, है ना, क्या थॉट्स आइडियाज इमोशंस फीलिंग्स वही ये कह रहा है। हाँ, टू शेयर ह्यूमन थॉट्स, सीधी सी बात है, ह्यूमन ही है, हम ह्यूमन है ना, ह्यूमन थॉट्स आइडियाज इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, तीन चीज हम शेयर करते हैं आपस में, है ना। हाँ, फिर क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। मैंने आपको पहले ही कहा है हाउ मेनी कैरेक्टर्स हैव ऑल द लैंग्वेजेस, कितने, अब आप कहेंगे मैंने दिखाया कि यहां से वो जो भी मेरा शायद कहा है, किसी के ये ठेले में थे अंडे, उसे किसी और को कहा, अगर आप मुझे कहेंगे मेरे ठेले में क्या है, मैं सबके सब अंडे आपको दूंगा, सबके सब अंडे, उसमें क्या होगा, उसने कहा उसमें प्याज है, कहने वाला भी ऐसा तो सुनने वाला भी ऐसा, इसलिए मैं आपको यहां से ही दिखा रहा हूं कितने हैं, कौन कौन, तेरे तेरे ध्यान 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 है ना, वो जिन्हें यहां दिखा है ना, जिन्हें आपको पहले कहा है, क्या ये कह रहा है द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये इजी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स है, अगर आप किसी को घर में कहेंगे हमें लिख के दो लेटर, अगर उसे पता नहीं होगा क्या वो कैसे है, क्या अगर किसी ने इंग्लिश नहीं सीखा होगा इजी है, अपन तो सुनिए आपको लगता है इजी कश्मीरी या उर्दू, अगर आप हम पर्शियन कहेंगे फारसी कहेंगे, अरे कहानी ये कॉम्प्लेक्स है, इजी नहीं है। हाँ, क्या है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज, मैंने आपको पहले कहा है, इसमें लिसनिंग आ रहा है, स्पीकिंग आ रहा है, रीडिंग आ रहा है, राइटिंग आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, मैंने कहा है अब आपको समझना है, मैं कहूंगा आपको समझ नहीं आएगा, उसको थोड़ा आप कम्युनिकेशन कहेंगे, नहीं जैसे ना कम्युनिकेशन, और अब आपको समझ नहीं आया है, अब मैं कहूंगा आपको समझ आया, क्वेश्चन का जवाब दो, अब देखिए नहीं तो उसको थोड़ा आप कम्युनिकेशन कहेंगे, वो समझ आ रहा है, देन देयर शुड बी टू ए प्रोसेस, अब अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक साइकिल होता है, पहले मैं स्पीकर, कभी आप स्पीकर, यू लिसनर, फिर आप तो स्पीकर होना चाहिए, मैं लिसनर, ये एक साइकिल होना चाहिए, समझ आ रहा है, इज इट क्लियर, वही ये कह रहा है। हाँ, ये मैंने आपको कहा है द वर्ड कम्युनिकेशन इज फ्रॉम द लेडी रोड, मैंने आपको बार बार ये कहा है कि इंग्लिश इज सच ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए लेक लैंग्वेज, बिकॉज इट हैज टेकन द वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, इट हैज बोरोड द वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, जैसे आपको मैंने कहा है यू ऑलवेज सी दैट दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक, इवन दो देयर आर वर्ड्स फ्रॉम कश्मीरी, इज इट इट, फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट फेरन वी से टू दैट इन अदर गांव कांगी समावार, इज इट इट, वो समझ रहा है, वही भी कह रहा है द वर्ड कम्युनिकेशन इज फ्रॉम लैटिन, को मैंने सी ज्यादा आपको रखना है कि इनवर्टेड कॉमा में रखना है, समझ रहा है, दिस मीनिंग इसका मतलब क्या है, शेयर, तो हम शेयर क्या करते हैं, और बिलोंगिंग टू ऑल, मगर कौन से आइडियाज कौन से थॉट्स जो हम सामने होने चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि बंगाली होता है बिहारी होता है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या उनको समझ आ रहा है, अगर बंगाली या बिहारी होगा वो बात करेंगे क्या हमें उनके पास समझ आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन कोड्स होने चाहिए, वो समझ आ रहे हैं, वो कोड्स हमें नोन होने चाहिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि दीज आर एक्चुअली कोड्स, हम इन कोड्स को डिकोड करते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, मिसाल के लिए वाटर, हम वाटर को उर्दू में पानी कहते हैं, कश्मीरी में आग कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, यानी कि वर्ड तो सेम है मगर नाम उसका अलग अलग है, अब हमें ये नाम मालूम होना चाहिए, वो समझ आ रहा है नहीं, वही ये कह रहा है, आप इजी है या डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है टू साम आई, क्योंकि हाँ कमेंट
जिनके कालो कहेंगे भट के नाम कुलगनु हाँ जोर टोल कुलगनु दरवाजा बंद हाँ ये इम्पॉर्टेंट है हाँ अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कल आप कहेंगे सर गैस मैं यहाँ गैस की भी खत्म कर रहा हूँ है ये इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेशन कल वहां क्वेश्चन होगा जरूर गिव सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन और वहां पर डिफाइन कम्युनिकेशन एक होता है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन वो आप अपने तरीके से कहेंगे कोई कहेगा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स आइडियाज व्यूज कोई कहेगा वी शेयर द बिलीफ वी शेयर द नॉलेज इंफॉर्मेशन वो आप अपने लिहाज से और एक होती है डेफिनेशन लोगों ने इसकी डेफिनेशन कैसे दी है ग्रेटर ने कैसी दी है डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन क्या है उसको डेफिनेशन इसके लिए समझ आ रहा है या वो डायरेक्टली कहेंगे गिव सम इम्पॉर्टेंट या कभी वो ये भी कहेंगे गिव द डेफिनेशन गिव माय एक्सपर्ट डिक्शनरी मिसाल के लिए गिव द डेफिनेशन गिव बट ज्यादातर वो जनरल में कहेंगे गिव द डेफिनेशन आपको मिलती है समझ आ रहा है ये जब आपको डेफिनेशन देनी होगी किसी की वो डायरेक्ट ही होनी चाहिए उसके बोर्ड डायरेक्टली यानी कि आपको दूसरे लफ्ज में नकअप करना है याद करना है बोर्ड लगा देना है समझ आ रहा है जो ये डेफिनेशन है क्या है कम्युनिकेशन इज हाँ क्या कह रहा है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ये वही है आप थोड़ा इधर उधर है थोड़ा इधर उधर कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आप एक्सचेंज लिखा हमेशा क्या है एक्सचेंजिंग आइडिया थॉट्स इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सेट्रा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर आप रिसीवर बोलो सिटी का ना किस नाम आप इसे यही लिखा है आपको यही याद रखना है दिस इज अकॉर्डिंग टू हाँ तो इसने यहां नहीं लिखा क्या यहां उसे लिखा नहीं है कि ये किसने कहा है तो ये उसे डायरेक्टली कहा है अदरवाइज कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज फीलिंग्स और ऑफ गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन ये एपिस्कोपल डिक्शनरी से उसने डेफिनेशन दी कल वो पूछेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट डिक्शनरी फिर आपको उसको नहीं लिखना है समझ आ रहा है उसको अपना नहीं लिखना है हाँ इसी तरह है क्या इसी तरह है नंबर थर्ड द एक्ट आर एन इंस्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग द इम्पॉर्टेंट ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडियाज ऑफ फीलिंग ये है डिक्शनरी ऑफ अफगानिस्तान यहां से ट्रांसलेट से है तो ये मतलब मैंने आपको क्यों कहा एक्चुअली दीज आर द डेफिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी इससे पहले ये सिलेबस नहीं थे तो उस वक्त नहीं ही बैठी थी आपके भी उसमें कोई क्योंकि यदि आपकी टेक्स्ट मार्केट में नहीं आए तो मतलब उसमें भी यही है हाँ और क्या है ए प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू ए कॉमन सिस्टम ऑफ सेवनल साइज के अंदर जो मैंने आपको कहा कि कॉमन होना चाहिए समझ आ रहा है कि मेरा अपना अगर बंगाली या बिहारी होगा हमें इसका समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम वहां आगे कॉमन आइडिया नहीं है कॉमन थॉट्स नहीं है समझ आ रहा है तो ये डब्ल्यू यहां से है मेरी डिस्ट्रिक्ट से इसी तरह कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स मैसेज और इंफॉर्मेशन एज बाय स्पीच उसमें स्पीच भी है ना ऑडियली और क्या है विजुअली मैं कभी कभी आपको कुछ दिखा रहा हूँ समझ आ रहा है वो भी है और क्या है सिग्नल्स है कभी कभी आपने देखा होगा वो प्लस साइन वो होता है साइन ऑफ मिल्कुल है कोई भी ऐसे बनाया हुआ होता है वो डेंजर समझ आ रहा है ये साइन से भी राइटिंग और बिहेवियर से भी इट इज अ मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और ए ग्रुप ऑफ पर्सन कभी कभी दो होते हैं कभी कभी दो से ज्यादा होते हैं आप तो बहुत सारे हैं कभी एक ही स्टूडेंट हो सकता है क्लास में समझ आ रहा है ये समझ आया नहीं समझ नहीं आया हाँ आप देखो
बना के अभी सड़क कोई कोई चीज बना के प्रोसेस करनी पड़ती है, काम करनी पड़ती है, तो हमें वही लिखना है कि हमें यहाँ कौन सी प्रोसेस कैसे करनी है। बार बार कहना ये ठीक नहीं होता है, बताओ आपने पढ़ा है, बताओ प्रोसेस में क्या होता है। हाँ प्रोसेस में क्या होता है, क्या क्या कितने सिलेबस है, कौन कौन बीस हजार जिसको मैं कहूंगा वही आप लोग कौन कौन है क्या पता है। बीस हजार आइडिया, आइडिया में क्या होता है, क्या आइडिया हमारी जमाने में क्या होता है। ओ मेरी बात सुनो, जब भी हम पहले कोई चीज देखते हैं या किसी चीज के बारे में कहना होता है हमें पहले उसका क्या आता है, यानी कि उसका आइडिया हमें आता है, उसका ख्याल आता है, तो फिर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसी को आइडिएशन कहते हैं, आइडिया को एक्सप्रेस करना, समझा ना। हाँ इसके बाद है एम्पोरियम, उठो आप एम्पोरियम उठो आप। हाँ एम्पोरियम किसे कहते हैं, बाकी सैनिक जिसको भी कहूंगा तब तक बाकी सैनिक। आप जैसे कि मैंने आपको कहा मिसाल के, मैंने आपको कोई चीज कहा है, मैंने आपको कहा मिसाल के डॉग, आपके दिमाग में श्योर कैसी आएगी इसकी इमेज किसके बारे में कह रहा है, समझ आ रहा है। आपके दिमाग में आएगा वो एक एनिमल है, समझ आ रहा है। यानी आप इसको कोड डिकोड करेंगे, समझ आ रहा है। हाँ इसके बाद कैसे अब हम चलो क्या होती है, कैसे ट्रांसमिट करते हैं। और भी कहा है, स्पीच में कहा है या राइटिंग में कहा है या जेस्चर से दिखाया है, समझ रहा है। इसको चैनल देते हैं, वेरी गुड। हाँ इसके बाद है रिकॉर्डिंग का मानी क्या है, साथ ही मैंने कुछ कहा है, अब आपको इसको डिकोड करना है, समझना है। मैंने आपको कहा है बंगाल या बिहारी गाड़ी में होता है, हमें उनका समझ नहीं आ रहा है, आपस में वो बात करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिकोड दैट, समझ आ रहा है। उसके बाद मशीन का मैंने क्या है, आपने मैंने सिखाया आपको मुझे मशीन बनाया आपसे, समझ आ रहा है। हाँ जी मशीन का है आपको, आपको मशीन करना है, जो मैंने पढ़ाया है आपको मशीन करना है। इसके बाद मशीन करने के बाद जो मैंने पढ़ाया है आपको कह रहे हैं कहीं समझ में आ जाएगी। हाँ आप एक डायग्राम ऑफ क्लासिकल कम्युनिकेशन, ये कभी वो एग्जाम में पूछते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, समझ रहा है। वो कल लिखेंगे राइट द डायग्राम इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो वहां आपको यही दिखानी है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्लास। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में ये डायग्राम या कंपल्सरी है, ये वही है सोर्स, सोर्स में मतलब हमें मैसेज होती है, फिर उसको इग्नोर करते हैं, फिर चैनल करते हैं, फिर इग्नोर करते हैं, फिर रिसीव। मगर एक ही चीज यहां याद रखना है मेरी बात सुनो, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, स्टार्ट में कैसे होता है, यानी यहां से पूछा ना फिर वापस, समझ रहा है। मैंने कहा फिर आप, फिर ले फिर आप, ये याद रखना, ये साइकिल में ऐसा होता है। हाँ उसका पूछा नहीं, कहा ये नहीं बोला,